अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक 13 वर्षीय छात्रा के अपहरण का प्रयास हुआ है। दो युवकों ने सहेली के घर मिलने जा रही छात्रा का जबरन अपहरण कर लिया है। आरोपी उसे कब्रिस्तान लेकर पहुंचे, यहां छात्रा के विरोध करने पर उसे बेल्ट से पीटा। इसी समय छात्रा के परिजन पहुंच गए तो अपहरणकर्ता उसे छोड़कर भाग गए। घटना बहोड़ापुर में घोसीपुरा कब्रिस्तान की है। घटना का पता उस समय चला जब चचेरी बहन ने छात्रा के अगवा होने की जानकारी परिजन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा की शिकायत पर अपहरण का प्रयास करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सुनारों की बगिया निवासी 13 वर्षीय छात्रा अपनी चचेरी बहन के साथ घोसीपुरा में रहने वाली सहेली के घर जा रही थी। अभी वह घोसीपुरा फाटक के पास पहुंची ही थी कि इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले दोस्त बने रोहित गुर्जर ने अपने दोस्त अंकित भदौरिया के साथ मिलकर उसका रास्ता रोककर उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया। तभी उसकी चचेरी बहन ने रोकने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर वह अपहरण कर छात्रा को घोसीपुरा कब्रिस्तान में ले गए। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे बेरहमी से बेल्ट से मारा। इसी बीच छोटी बहन घर पहुंची और छात्रा को अगवा कर ले जाने की जानकारी परिजन को दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर भाग निकले। परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और दोनों बदमाश युवकों की शिकायत की। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण, मारपीट, SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि छोटी बहन के साथ घोसीपुरा में रहने वाली सहेली के घर जा रही थी। तभी वह घोसीपुरा फाटक के पास पहुंची ही थी कि रोहित गुर्जर ने अपने दोस्त अंकित भदौरिया के साथ मिलकर उसका रास्ता रोककर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। विरोध किया तो कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर बेल्ट से पीटा। आरोपियों से कुछ समय पहले सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हुई थी। CSP संदीप मालवीय का कहना है कि छात्रा ने परिजन के साथ आकर शिकायत की है। दो युवकों के द्वारा अपहरण कर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फ्रेंड के घर मिलने जा रहे थे, वहाँ से रोहित गुजर और अंकित भदौरिया आए, मुझे जबरदस्ती बिठा लिए गाड़ी पे। मेरी बहन ने उसे रोका तो उसे धक्का दिया और बोला तेरा एक हाथ टूटा है दूसरा भी तोड़ दूंगा। जबरदस्ती बिठा के ले गए अंकित को, अपने दोस्त को वहीं उतार दिया। मेरी बहन भागती हुई घर आई और मुझे ले गए कब्रिस्तान के, यहाँ सुनसान जगह पे जहाँ कोई नहीं था। मेरे साथ गलत किया, छेड़छाड़ की, गलत किया मेरे साथ, मारपीट भी की। एक फरियादियों द्वारा कल हमरा अपने परिवार के थाने उपस्थित होकर एक शिकायत की थी। इस शिकायत पर, छेड़छाड़ की शिकायत पर, दो आरोपी रोहित गुर्जर और अंकित भदौरिया के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।